हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दिस सीरीज ऑफ स्टोरीज। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर स्टोरी। आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट स्टोरी इज दैट अजम्पशंस आर ऑलवेज अ बिग रिस्क। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी वेयर हाउ यू नो बिकॉज ऑफ सम अजम्पशंस देयर वॉज अ बिग लॉस टू द ड्रीम ऑफ समवन। इंडियन मैथोलॉजी में एक बहुत पुरानी स्टोरी है जहां पे कि ऋषि नारद एक बार पार्वती से मिलते हैं। पार्वती जो खुद एक जगदम्बा रूप है, शक्ति रूप है, और उससे कहते हैं कि हे जगजननी, आपको पूरा जगत इतना जानता है, इतना मानता है, लेकिन फिर भी आप इन पहाड़ों में रहती हैं, गुफाओं में रहती हैं, और जबकि जहां दूसरे देवी देवता जो हैं उनके पर इतने सुंदर भवन हैं, इतने अच्छे महल हैं, आप भी वहां पे इस तरह से अपना भवन क्यों नहीं बनवा लेती। ये बात उनको पार्वती को अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात का जो जिक्र है वो भगवान शिव से करूं। उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में कहा। भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, अभी इसका समय नहीं आया है और हमें इन पहाड़ों और गुफा में ही रहना है। लेकिन नहीं, पार्वती भी अड़ गई कि नहीं, मुझे तो भवन में ही रहना है, मुझे गुफाओं से निकल के मुझे अच्छे महलों में जाना है। तो हे प्रभु, आप एक इतने सुंदर भवन का निर्माण करवाओ जहां पे कि हम लोग वहां पे रह सकें। अब वो चूंकि वड़ गई थी तो फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को, जो कि इज अ काइंड ऑफ आर्किटेक्ट इन द गॉड स्ट्रीम, उन्होंने उनको बुलाया और एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया। और जिस दिन उनको वहां पर भवन में जाना था, बाई चांस उस दिन भूकंप आ गया और वो पूरा भवन ध्वस्त हो गया। जब शिव जी ने इस बारे में, पार्वती ने इस बारे में जिक्र किया तो उनको ये कहा गया कि चूंकि आपने एक मुहूर्त नहीं निकलवाया था और इसीलिए आप बिना मुहूर्त के उस मकान में एंट्री ले रहे थे और ऐसा हुआ। एंड देन एट दैट टाइम लॉर्ड शिवा टोल्ड कि यस, मुहूर्त इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए टाइम, द राइट टाइम टू यू नो एंटर। ठीक है, पार्वती को बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, दूसरा भवन का निर्माण करवाया जाए जहां की बार पूरे मुहूर्त के साथ ही हम उस घर में एंट्री लेंगे। और उन्होंने फिर एक भवन का निर्माण करवाया, बहुत सुंदर भवन था, और अब की बार उन्होंने बिल्कुल विधि विधान के साथ पूजा करवाई, ब्राह्मण को बुलाया और मुहूर्त हुआ, पूजा हुई। और पूजा के बाद ये विधान है कि ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जगत पालनहार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भवन इतना सुंदर है, मैं चाहता हूं कि इसे दक्षिणा में आप मुझे दे दें, क्योंकि आप तो ऐसे कई भवन फिर निर्माण करवा सकते हैं। और इस तरह से वो भवन उनको दान में ब्राह्मण को देना पड़ा। पार्वती बड़ी रुष्ट थी, परेशान थी। शिव ने कहा कि देखिए, अभी समय नहीं आया है। तो पार्वती ने कहा कि देखो, आप तो महादेव हैं, महाप्रभु हैं, समय भी आपकी बात सुनता है, आप समय से जाके कहो कि अब की बार हम भवन निर्माण करवाएंगे, वो हमारा साथ दे और हम उस भवन में रहना चाहते हैं। वो नहीं मानी तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं उनके पास, समय के पास, और अगर समय नहीं माना तो मैं अब की बार डमरू बजाऊंगा, और अगर जब डमरू बजेगा तो तुम समझ लेना कि समय नहीं माना है, और जब भी हम नया भवन निर्माण करवा रहे हैं उसको तुम अपने हाथों से जला देना और ये मानना कि वाकई इसके बाद में भवन, हम कोई भवन निर्माण नहीं करवाएंगे। उन्होंने भवन निर्माण करवाया और उसके बाद शिव जी समय से मिलने गए और समय से कहा, हे समय, तुम बड़े बलवान हो, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इस तरह से भवन में रहना चाहते हैं, तो तुम हमारा सहयोग करो और हमें उसमें रहने का एक ऐसा माहौल बनाओ कि हम उसमें रह सके। समय ने कहा कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे पास आए हैं, मैं तो आपको टाल ही नहीं सकता, इस बात को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बड़े भोलेनाथ हैं, आपका तांडव नृत्य बहुत ही मशहूर है, मैं आपके साथ दूं, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए कि आप मुझे अपना तांडव नृत्य दिखा दीजिए। शिव जी उस बात को मान गए और उन्होंने तांडव नृत्य करना शुरू किया। और जब तांडव नृत्य होता है तो शिव हमेशा डमरू बजाते हैं,
और साथ साथ उन्होंने डमरू बजाना भी शुरू किया। उधर पार्वती को जब डमरू की आवाज सुनाई दी तो वो ये समझ बैठी कि शायद समय ने उस बात को मना कर दिया है और वो खुद जाके उन्होंने अपने नए भवन को आग लगा दी और ये विश्वास कर लिया कि अब वो कभी भी भवन में नहीं रह पाएंगी। थोड़ी देर बाद जब शिव आए तो उन्होंने कहा कि देखो समय मान गया है और अब हम उस नए भवन में जाके रह सकते हैं। पार्वती ने कहा लेकिन आपने तो डमरू बजाया था। तो शिव ने सारी वृतांत सुनाया कि मैंने डमरू क्यों बजाया। द मॉरल ऑफ द होल स्टोरी इज दैट एट द एंड व्हेन द थिंग्स आर कमिंग इन द फेवर ऑफ पार्वती जी शी अज्यूम्ड दैट इट हैज नॉट हैपेंड एंड विदाउट डूइंग एनी कन्वर्सेशन विद शिव जी शी हरसेल्फ वेंट एंड पुट द फायर इनटू दैट ब्यूटीफुल हाउस एंड फाइनली कंक्लूडेड नॉट टू गो इनटू दैट हाउस एनी फर्दर। With such type of more stories, with more learnings, you will find my more other videos as well. So please like and subscribe this channel. और हाँ एक बात और, हर stories को देखने का नजरिया अलग होता है। मेरा story को देखने का नजरिया ये था, हो सकता है कि आपका कुछ और हो। So please write your feedback, your experiences, your learnings into the reviews, so that if someone new person can look these videos, they can also look your reviews and learn many things more. Thank you.